जब हमें चोट लगा, जब जिस वक्त उन्होंने डंडा मारा इस पर, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी वॉर जोन में जा रहा हूँ, मेरा हाथ कहीं रह गया हो। मुझे लग ही नहीं रहा था कि हमारी पुलिस जो पुलिसिंग के लिए होती है वो नहीं करके हमारे साथ इस तरह से तकरार कर रही है। वहाँ जोरबाग में जब स्ट्रीट लाइट बंद करके लाठी चार्ज किए थे पुलिस वालों ने, तो फिर उसी बीच में दौड़ रही थी, 2-3 किलोमीटर हम लोग दौड़े थे वहाँ से, तब उसी बीच में गिर गई वहाँ, तो पुलिस वाले पैर पर चढ़ गए और पीछे से कोई मार भी रहा था पुलिस वाला। तो उस टाइम तो मतलब एक वो था, जुनून था, साथियों के साथ थे तो चले आए, और जब यहाँ आई तो हॉस्टल जब पहुँचे, यहाँ साथियों के साथ आई, तब वहाँ ज़्यादा दिक्कत हुई हॉस्टल में पहुंचकर। ये चोट मेरे को जो पिछला वाला लाठी चार्ज हुआ था, जो कॉन्वोकेशन के दिन पे हुआ था, मेरे को उस दिन ये चोट आई है। उन्होंने मेरा गर्दन पकड़ के एक साइड में खींचा और हाथ पकड़ के दूसरे साइड में खींचा, जहाँ पे आई गॉट पार्शियल डिसलोकेशन। आई हैड बीन इन सफदरजंग, आई कांट एक्चुअली मूव माई हैंड प्रॉपरली, बट आई विल शो यू द कट्स। सो दीज आर ऑल ब्लेड मार्क्स। I saw a policeman open their naam ka badge so that we don't recognize the policeman and file any complaint. Us badge se they were just poking female students, pet pe, hath pe. These are all marks of that. Sansad tak long march ka call diya tha, uske liye hum log taiyar hai, student ja rahe the. Jo hi main gate se hum log aage, main gate mein rokne ki bahut koshish kiya. Hum logon ne wahan rasta ko तोड़ करके आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद एक और रास्ता को रोका गया, वहाँ से भी हम लोग जब आगे बढ़े तो तीसरी बार जब रोकने की कोशिश किया गया तो मुझे एक और इसने घींच लिया, घींच करके मुझे एक फाइट जम के मारा और लाठी भी मारा और मुझे गिरफ्तार करके सीधा ले चला गया कालगाजी थाना। कालगाजी थाना में मुझे इतनी ज़ोर से चोट लगी थी कि मेरा गर्दन अकड़ रहा था। मैंने उसको कहा कि भैया मुझे डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, मुझे यहाँ से कुछ होने वाला नहीं। तो उसने कहा कि अभी आपको नहीं, आपको जब छोड़ेंगे तब आप डॉक्टर के पास। तो उसने मुझे 7 बजे वहाँ से छोड़ा। 7 बजे आकर के मैं यहाँ हेल्थ सेंटर आया हूँ। हेल्थ सेंटर में मेरी बहुत हालत ख़राब थी, तो यहाँ से मुझे सफदरजंग ट्रांसफ़र किया गया। सफदरजंग में वहाँ डॉक्टर ने देखा, एक्सरे किया, एक्सरे करने के बाद मुझे आराम करने के कहा गया और कहा गया कि आपको चोट लगी, आप पूरा बच गया, नहीं तो आपको हड्डी में लग सकती थी। Many of our students got beaten up, including me, and I was grabbed from the barricades and I got a injury in my elbow. And yesterday it was fine, but now it was paining and I got X-ray and my hands are plastered. बिल्कुल भी हम लोग का प्रोवोकेटिव मार्च नहीं था, हम लोग पीसफुली चल रहे थे प्लैकर्ड्स लेके, पर उन लोग ने वायलेंस एक्चुअली स्टार्ट किया। देन दे वर स्टॉप्ड एट KV गेट और वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे रहे, बिकॉज आधे स्टूडेंट्स को दे वर टेकन टू पुलिस स्टेशन, दे वर डिटेन। उसके बाद से स्टूडेंट्स बिल्कुल भी पीछे हटने का नाम नहीं लिए थे, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फाइट है और पुलिस ऐसे लाठी से, गोली से ऐसे हम लोग को दबा नहीं सकते। व्हेन वी वर प्रोटेस्टिंग, पुलिस अटैक्ड अस। इट वाज लाइक व्हेन वी प्लान टू ब्रोक दैट बैरिकेड्स, दे अटैक्ड अस एंड देयर वाज व्हेन वी वर डिटेन्ड, most of the women police were not there in the bus, so there were many girls were there in the bus. So we were asking about this, like there are no women, how can you detain us? And in the police station also their contact was very like at least they should give first aid to those who were hurted by them. Police wale jab hote to aise pakde hue the ki dono taraf se haath nikal le, matlab jab aap ek aadmi jo koi थोड़े की लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आइए भाई आगे बढ़िए, हमें आगे बढ़ना है, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट को डिटेन कर लिया उन्होंने। तो इसके बाद से हमें डिटेन करके शाम 5 बजे तक बैठाए रखे, 5:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे जब कोई मेडिकल फैसिलिटी, बेसिक ट्रीटमेंट नहीं, एक लड़के को तो ऐसा आया कि वो हमें लगा कि उसके साथ दौड़े उसको पढ़ने लगे, लेकिन कोई मेडिकल ट्रीटमेंट देने की कोशिश नहीं की। जब हमारे टीचर, JNU की टीचर जब वहाँ पहुँचे तो वो अपने पैसे से, अपने खर्चे से जो है बेसिक जो फर्स्ट एड होता है वो लेके आए। हम लोग मतलब अलग हो गए थे भागने के वक्त, तो उन लोग ने क्या, मार्च में कुछ ग्रुप्स में हम लोग पहुँचे जोरबाग में, जो पहले जो ग्रुप्स पहुँचे पुलिस ने उन लोग को बेरहमी से लाठी चार्ज किया। इट वॉज वेरी ब्रूटल, पीपल वर ब्लीडिंग, दे डिडंट टेक देम टू हॉस्पिटल। एक लड़के का बहुत इमेज वायरल हुआ है जहाँ पे इतना खून बह रहा है, उसका सर फोड़ दिया गया, उसको रिक्वेस्ट कर रहे थे, इवन जर्नलिस्ट वेंट एंड रिक्वेस्टेड कि इसको हॉस्पिटल पहले लेके जाओ, बट दे वर वेरी डिटरमाइंड टू टेक देम टू द पुलिस स्टेशन फर्स्ट। थाने में किसी भी ऑफिसर ने यह बात नहीं मानी। मैंने कहा कि मेरे
चोट लगी है, मेरे लेक्चरर भी गए थे, उसने उसका कहा कि इसको हॉस्पिटल जाना है, एक्सरे करवाना है, इसको ज़रूरत है, तो वहाँ कोई भी ऑफिसर ने माना नहीं और मुझे पक्का 7 बजे वहाँ से छोड़ा गया। फिर हम वहाँ से निकल करके जब हमें छोड़ा गया तो हम वापस जो है ना इसमें प्रोटेस्ट ज्वाइन किए, क्योंकि हमारे साथियों की खबर आ रही थी कि उन्हें कई जगह घेर करके पुलिस वालों ने मारा है, किसी के सर फाड़े गए हैं, किसी के लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई है, किसी को पिन चुभे गए हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं कि आप देख जाए तो किसी का भी दिल टहल जाए, किसी को भी ये हो जाए। तो हम उनकी प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए 5 बजे हमें धौला कुआं छोड़ दिया गया, फिर हम वहाँ अपने खर्चे से प्रोटेस्ट में पहुँचे। व्हेन द मार्च केम अलग स्टूडेंट्स सब वहाँ पे पहुँचे, देन द थिंग द पुलिस सुपरिंटेंडेंट जो थे वो बोले कि MHRD से आपके लिए डेलीगेशन आ रहा है आपसे बात करने के लिए। सो द स्टूडेंट डिसाइडेड कि अनटिल एंड अनलेस आर फेलो स्टूडेंट्स आर रिलीज फ्रॉम ऑल द पुलिस स्टेशन एंड दे रीच जोरबाग, वी विल नॉट एंटर इन टू अ डायलॉग। क्योंकि 3 हफ्तों से हम लोग डायलॉग का ही कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसे लास्ट मिनट आके इतना मारपीट करके खून बहा के ऐसे ब्रूटली हम लोग को ट्रीट करके फिर आप बोलते हो कि बात करेंगे। पहले स्टूडेंट्स को वहाँ पर पहुँचने दो जितने भी आपने डिटेन किए थे, उसके बाद ही वील सेंड अ डेलीगेशन टीम। थोड़ी देर बाद जो है ना वहाँ पर नीचे की स्ट्रीट लाइट काटेगी, क्योंकि बहुत पॉश एरिया है वो, तो वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चे करके लाइट लगाई हुई, नीचे की पहले काटी गई, फिर उसके बाद से मेन स्ट्रीट लाइट बंद की गई, फिर उसके बाद 2 मिनट के अंदर में, दो मिनट भी नहीं हुआ होगा, मुश्किल से चंद सेकंड्स में जो है ना उन्होंने बिल्कुल लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिए। अब पुलिस वाले कभी जो बीच में जो रोड डिवाइडर है उस पर भी जाला लगे, दीवार वॉल टाइप की लगी हुई है, उधर से कूद कूद के पुलिस वाले आ रहे थे, बहुत सारे सिविल ड्रेस में भी थे, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से फिजिकल इशूल के साथ साथ लड़कियों के साथ भी बदतमीजी करी, बहुत बुरा तरीके से, जो छुप रहे थे कहीं पे टॉयलेट में छुप रहे थे उनमें घुस घुस के पुलिस वालों ने मारा है। और किसी के अब हमारे शशि भूषण के बारे में तो उनका सुना ही है कि उनको किस तरह से मारा गया, कि ब्लाइंड स्टूडेंट के साथ किस तरह से क्या आता है, ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए स्टूडेंट के साथ, ये बहुत ही भयानक ही था। ये जो मारधार है, ये मारधार की राजनीति हम नहीं करते, हमारी एक सिंपल सी डिमांड है कि हम शांति के साथ अपने वाइस चांसलर से मिलना चाहते हैं, वही वाइस चांसलर जो इस पूरे संस्था को चलाता है, उससे मेरी डिमांड है कि आप स्टूडेंट्स आकर मिले, हमारे वार्तालाप को, ये डिबेट जो डायलॉग जो JNU की खासियत है उसको बरकरार रखने के लिए आप हमसे मिलिए और बात कीजिए। एवरीवन इज गेटिंग बीटन अप फॉर द सेम थिंग एंड दिस VC इज नॉट गिविंग एनी अटेंशन टू दिस and VC is just staying in his room in his home and just tweeting everything. It can't be tolerable. Like at least politicians are giving replies for our fight, medias are covering everything, but VC is still there and VC is saying in the news channel that he is available for 24 hours. We can't say it is true because we are seeing that VC is not here. We are approaching him for the past 3 weeks. He is not listening to us. मैं JNU आया हूँ इसलिए कि आप अगर मेरा गांव देखिए तो मैं उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, पूरे बंगाल में सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में जिसमें MPhil एक भी स्टूडेंट नहीं, MPhil को रिसर्च क्या होता है वो भी नहीं जानता है। तो मैंने JNU को इसलिए ख्याल किया कि JNU में कम रुपये में रिसर्च होता है, जाकर के वहाँ मैं रिसर्च करूँगा। मैं किसान घर का स्टूडेंट हूँ और वहाँ से आया हूँ, मेरे वालिद ज़्यादा ने मेट्रिक पास किए हुए हैं, तो मेरे वालिद किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उसके बाद मैं यहाँ आया पढ़ने के लिए। जब मैं यहाँ आकर स्टडी करता हूँ तो मेरा ये दूसरा साल है, तो मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ते आहिस्ते इस जो ये संस्था जिसके लिए जानी जाती है कि गरीब बच्चे यहाँ आकर के 200 रुपया में स्टडी कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, इस मतलब क्या किया है कि आप देखें कि 8-9 हज़ार रुपये महीना इस तरह पर बढ़ा दिया है कि मेरे जैसे स्टूडेंट यहाँ उसको दे नहीं सकता है, इससे हमको छोड़ने की नौबत आ सकती है। मेरा तो इंटर ग्रेजुएशन और पोस्ट मास्टर्स सब वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से ही है, तो मेरी एक इच्छा होती थी अंदर से कि मैं भी JNU में पढ़ूँ, JNU का नाम सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता था, तो मैं इसका एंट्रेंस दी, तब यहाँ इंटरव्यू में हो गया, तो यहाँ एडमिशन लिए, तो अलग अदरवाइज यूनिवर्सिटियों से यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे, और फीस भी यहाँ कम थी, और अदर जगह देते थे मतलब दूसरी जगह दिए तो वहाँ 6,000-7,000 ऐसे ही एक ईयर का फीस लगता था, तो फिर यहाँ का फीस भी कम था, 268 रुपये में यहाँ एडमिशन हुआ है MPhil में। अगर इतना ज़्यादा फीस हो जाएगी तो मैं भी खुद ही नहीं दे पाऊँगी, हाँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही बहुत छात्र हैं, मेरे घर पर भी इनकम नहीं है,
कि कोई, मेरे पिताजी पहले ऐसे ही गाड़ी उड़ी चलाते थे अपना ट्रक मुंबई में, कहीं भी जहां उनको मिलता था वहीं चलाते थे। तो इस टाइम तो अब एक साल से अटैक उनको आ गया था ना, हार्ट अटैक, तो ऑपरेशन हुआ है, कर्ज उर्ज लेके अपना सब करवाए हैं, तो घर पर ही हैं अब, बाहर नहीं हैं। आई एम फ्रॉम केरला, आई एम फ्रॉम ऑलमोस्ट अ बैकवर्ड क्लास, एंड माय पेरेंट्स आर नॉट इन अ गुड वर्क, लाइक दे डोंट हैव अ गुड जॉब, लाइक दे आर वर्किंग इन अ, द वर्क इज लाइक वी आर इन अ मिडिल क्लास, सो लाइक दे कांट अफोर्ड दिस मच फीस। व्हेन आई अप्लाइड फॉर एंट्रेंस इट वॉज ऑलमोस्ट, इट वॉज अफोर्डेबल, बट नाउ इफ दे आर इंक्रीजिंग, लाइक it's almost like a privatization of a university like JNU, like it's a one of the best universities in India, and it's a central university, so it's under government, so government should provide free education to the student, those who are studying in government schools, government in universities and like everywhere, free education should be provided for everyone. But if they are increasing these prices, fees, and they can't, students will protest like this. It's their right to have a proper and a good education, free education for everyone. मैं इतना well off family से नहीं आती हूँ। मेरे पिताजी को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं। उसके पहले भी he was actually suffering from kidney problems. So it's a very expensive thing to 10 साल ट्रीटमेंट चलाना, सो ऑल हिज इनकम हैड बीन स्पेंट देयर, सो वी आर लेफ्ट विथ लिटरली नो सेविंग्स, सो एंड वी आर थ्री चिल्ड्रन, लाइक आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, सो एंड माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ, सो देर इज नॉट एनी वन अर्निंग मेम्बर इन द फैमिली, सो फॉर मी आई हैव स्ट्रगल्ड, आई हैव कम इन ग्रेजुएशन, आई ऑल्सो studied in a state-run university which was subsidized, Presidency University in Kolkata, so I could continue my studies because of that. It's on, I will tell you a story, because when I was applying for masters, JNU was the only form I filled, because baki university ka website mein jaake jaise main fee structure dekhti thi, I knew my mom couldn't continue. My brother is in engineering, wo bhi bahut ek expensive subject hai India mein continue karne ke liye, to उस मुकाम पे आई ओनली फील JNU, बिकॉज अगर यहाँ मिलता है तभी मैं मास्टर्स पढ़ सकती हूँ, नहीं तो आई हैव टू स्टे बैक इन कोलकाता, सो लाइक दिस इज़ अ सब्सिडाइज यूनिवर्सिटी विच पीपल लाइक मी कैन अफोर्ड, इवन इफ टुडे आफ्टर द फी हाइक माई मदर कैन अफोर्ड अ 8,000 रुपीज पर मंथ, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू पुल ऑफ, एंड शी विल एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर सेंडिंग देयर गर्ल चाइल्ड. How can we promote education like this? If this is so expensive, then the first ones to get affected will be the girl child, because they will send their boys to school and to get higher education. The girls will only get stuck in class 10 and 12. मैं जो हूँ, मैं यहाँ के MCM नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरे जो साथी वाले हैं, जो मेरे आसपास पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें MCM के बगैर उनका खाना नहीं चल सकता है। वो इतने बदतर हालत में, क्या इतने मतलब इकोनॉमिकली बदतर हालत में है कि उनका, अगर जिस तरह से इन्होंने कह दिया कि पर डे जो है ना फाइन लगेगा अगर आप लेट से फी जमा करो, MCM आप वक्त पे नहीं दे तो फिर पैसे नहीं जमा कर पाएंगे, उनके सारे पैसे उनके फाइन में चले जाएंगे, लिटरली उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो मतलब भूखे मर जाएंगे, मतलब पढ़ नहीं पाना। आप पूरा जो है कि आप अगर शिक्षा अफोर्डेबल नहीं रहेगा, एक शिक्षित समाज नहीं बना पाएंगे, तो क्या फ़ायदा है यूनिवर्सिटीज़ और का फीस बढ़ा करके आप इस तरह से लोगों को उनसे चीज़ें छीन लेने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में जो आदिवासी, दलित, दबे कुचले लोग हैं, कहाँ से ही कर पाएंगे? ऐसे ऐसे बच्चे जो कभी जो है ना डेली वेजेस पे काम करते थे, वो यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर हैं, अगर वो अगर फीस सस्ती नहीं होती पढ़ पाते हैं, अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं हो तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है, मैं कहता हूँ यही नहीं, आज JNU के इसमें पूरे देश को एक मौका है कि सारे देश के स्टूडेंट मोबिलाइज हों और वो एजुकेशन जो सबका अधिकार है उसके लिए एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आए और अपने अधिकार के लिए लड़ें। अफोर्डेबल एजुकेशन कहते हैं ना कि JNU में एक नारा दिया था कि बजट का 10वां हिस्सा जो है ना शिक्षा पे खर्च हो, ये हमारी मांग, तो आप वो चीज़ें करो, ये ज़रूरी है। नहीं तो आप नहीं, आप समाज, आप एजुकेशन से हटा रहे हो उन्हें, उस समाज को बायकॉट कर रहे हो, उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हो, चाहते हो कि वो मर जाए वैसे, उनको कोई देखने वाला नहीं हो, कोई नहीं। और हम एज अ ह्यूमन, हम इंसानियत की बात जो होती है तो उसमें सबसे ऊपर ये होता है कि आप अगर एक रोटी आपके पास है तो आधे रोटी बांट के खाओ,
शेयरिंग आपका सबसे जरूरी चीज़ है। अब महंगा करते हुए कहाँ से चीज़ें हो पाएंगी? फिर तो फिट जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा, जानवर वाली जिंदगी हो जाएगी हमारी। जैसे जेएनयू का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यू नो ट्रोल के तरीके से, नेगेटिव के तरीके से आए कि ये लोग 10 रुपये देते हैं महीने के और हमारी यूनिवर्सिटी पे देखिए। हमारा सवाल ये नहीं है कि हम क्यों ऐसे अफोर्डेबल एडुकेशन पा रहे हैं और आपका यूनिवर्सिटी क्यों इतना एक्सपेंसिव है, वो सवाल उस पर है कि आप लोग क्यों अफोर्डेबल एडुकेशन के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। द कंट्रीज फ्यूचर लाइज इन द स्टूडेंट्स, इफ वी सक्सीड द कंट्री ग्रोज, दैट्स हाउ अफोर्डेबल एडुकेशन शुड लाइक बी फॉर ऑल।